नमस्कार, क्विक ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। क्या आप भी अपने इंस्टाग्राम के नोट्स पे सॉन्ग या म्यूजिक लगाना चाहते हैं? क्या आप सीखना चाहते हैं कि इंस्टाग्राम के नोट्स पे सॉन्ग या म्यूजिक कैसे लगा सकते हैं? तो इस वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए सीखने के लिए चलते हैं अपने मोबाइल पे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम अपने मोबाइल पर है। मोबाइल पर आने के बाद इंस्टाग्राम नोट्स पे सॉन्ग या म्यूजिक लगाने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में इंस्टाग्राम को ओपन करना है। तो चलिए इंस्टाग्राम को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद ऊपर में आपको एक यहाँ पर मैसेजेज का ऑप्शन दिखेगा, मैसेंजर का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक योर नोट का ऑप्शन मिलेगा। अब यहाँ से आप अपने इंस्टाग्राम नोट्स पे सॉन्ग या म्यूजिक लगा सकते हैं। अगर आपके इंस्टाग्राम पर यहाँ पर आपको योर नोट्स का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है कि यहाँ से आपको इंस्टाग्राम को कट करना है। कट करने के बाद अब आपको अपने फ़ोन में प्ले स्टोर को ओपन करना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आपको सर्च बॉक्स पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको इंस्टाग्राम सर्च करना है। सर्च करने के बाद यहाँ पर आपको इंस्टाग्राम दिख जाएगा। अब यहाँ से आपको क्या करना है कि अगर आपके फ़ोन में इंस्टाग्राम का अपडेट आया हुआ है तो आपको अपडेट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपके फ़ोन में इंस्टाग्राम अपडेट हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ से इसको कट करना है। कट करने के बाद अब आपको क्या करना है कि अपने फ़ोन में इंस्टाग्राम को ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको एक योर नोट्स का ऑप्शन दिख जाएगा, यानी कि योर नोट का ऑप्शन दिख जाएगा। अब यहाँ पर अपने इंस्टाग्राम नोट्स पे सॉन्ग या म्यूजिक लगाने के लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो एक योर नोट का ऑप्शन दिख रहा है, सिंपल आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शेयर ए थॉट का ऑप्शन दिया गया है। अब यहाँ पर आपके मन में जो भी विचार है, जो भी चीज़ आप यहाँ पर लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हमको जो भी लिखना है यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम हैप्पी मूवमेंट टाइप कर लिए हैं। तो यहाँ पर आप अपने मन में जो भी सॉन्ग के बारे में विचार है या आप जिस भी रीजन से यहाँ पर आप अपने इंस्टाग्राम नोट्स पे म्यूजिक लगा रहे हैं वो आपको रीजन या आपको थॉट यहाँ पर अपने विचार को लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक म्यूजिक का ऑप्शन दिखेगा। अब आपको अपने नोट्स में सॉन्ग या म्यूजिक लगाने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे सॉन्ग दिख जाएगा। अब यहाँ पर अगर आपके मनपसंद का कोई भी सॉन्ग लगाना है, गाना लगाना है, तो सिंपल आपको उसका नेम सर्च करना है। तो चलिए यहाँ पर हमको कोई भी गाना लगाना है तो यहाँ पर हम सर्च करते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लॉलीपॉप वाला गाना लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर हम सर्च करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लॉलीपॉप वाला गाना आ गया है। अगर आप इस गाना को यहाँ से प्ले करके सुनना चाहते हैं तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो प्ले का ऑप्शन दिख रहा है आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो यहाँ से वो गाना प्ले होने लगेगा। उसके बाद अब उस सॉन्ग या गाना को लगाने के लिए सिंपल आपको उस सॉन्ग या गाना के नेम पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सॉन्ग या गाना एडजस्ट करने के लिए आ जाएगा। तो यहाँ से आप गाना का जितना भी भाग लगाना चाहते हैं यहाँ से आपको उसको एडजस्ट कर लेना है। तो चलिए यहाँ से इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं। एडजस्ट करने के बाद आपको टिक पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आप इंस्टाग्राम नोट्स पे यहाँ पर जो सॉन्ग या म्यूजिक लगा रहे हैं वह किसको किसको दिखाना चाहते हैं तो यहाँ से उसका आप सेटिंग कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि शेयर बिट पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपके इंस्टाग्राम पर जो भी फॉलोअर्स है या आप जिसको भी फॉलो किए हुए हैं, जो भी आपको फॉलो बैक मांग रहा है, वह आपका इंस्टाग्राम का नोट्स यहाँ पर देख पाए तो आपको यहाँ से टिक कर देना है। अगर आप अपने इंस्टाग्राम के क्लोज फ्रेंड्स के लिए लगाना चाहते हैं तो यहाँ से आपको क्लोज फ्रेंड्स को सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए यहाँ पर हम अपने इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स के लिए लगा रहे हैं और यहाँ पर जो भी हमको फॉलो बैक मांग रहा है उसके लिए लगा रहे हैं, तो यहाँ पर हम डन कर देते हैं। उसके बाद अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके मन में जो भी थॉट या विचार है यहाँ पर आप कम से कम 60 वर्ड में टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी हम हैप्पी मूवमेंट टाइप किए हैं यहाँ पर मेरा 46 वर्ड का हुआ है। अब आपको यहाँ से शेयर पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे इंस्टाग्राम के नोट्स पे सॉन्ग या म्यूजिक लग गया है। अब यहाँ से अगर आप इसको प्ले करके सुनना चाहते हैं तो यहाँ से सुन सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम इस पे क्लिक करते हैं।
क्लिक करने के बाद अब यहाँ से अगर आप इस नोट्स को डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पर डिलीट नोट्स पे क्लिक करके यहाँ से इस नोट्स को डिलीट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इंस्टाग्राम के नोट्स पे सॉन्ग या म्यूजिक लगा सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।